भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री रामचंद्र जांगड़ा का गाजियाबाद के मोदीनगर आगमन पर स्वागत हुआ। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण्द्र जांगड़ा भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम भगवान परशुराम और विश्वकर्मा की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर जयकारे लगाए। उसके बाद 17 सितंबर को पिछड़े वर्ग के लगभग 70,000 लोगों को रामलीला मैदान में आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि इसी दिन विश्वकर्मा दिवस, श्रम दिवस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। जैसे आपको ध्यान होगा, आज से 5 दिन पहले हम पिछड़े वर्ग के 16 सांसद, जिसमें 3 हमारे मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे कि नीट की परीक्षा में, एग्जाम में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 10% आरक्षण दिया जाए। हमने पहले ही दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, अपील की और अगले ही दिन नीट के अंदर 27% पिछड़ों के लिए और 10% EWS के लिए आरक्षण लागू हो गया। आपको ध्यान होगा, मैं पूरे देश में पूरे बैकवर्ड क्लासेस की संघर्ष की लड़ाई लड़ता हूँ और क्योंकि ये पर्टिकुलर दिन है, इस दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस होता है और भारत का श्रम दिवस है, तो इस शिल्पकारों से इसका संबंध है, इसलिए मैंने यहाँ पर शिल्पकारों की बात की। दरअसल नरेंद्र मोदी के साथ उनका जन्मदिन मनाने की अभिलाषा को रामचंद्र जांगड़ा और उनका समाज प्रांत प्रांत, जिले जिले और राज्य राज्य में घूम घूम कर इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इलाके में। साथ ही परविंदर जांगड़ा ने कहा कि देश में पिछड़ी जातियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारे सहयोग दिए, लेकिन शिल्पकार समाज अब भी पीछे ही रहा। चाहे इसमें किसी भी प्रकार के शिल्पकार अदा करने वाले हों, किसी भी सरकार द्वारा उनको सहयोग नहीं दिया गया। इसी मंशा को पूरा करने के लिए वो रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे।